है वो क्या मेरे ऊपर छाया करेगी। ऐसे जो कहा इति बटोह करान मल्ली दामन गृहीत्वा सचात प्राणम, ऐसा कहते हुए श्री श्याम सुंदर किशोरी जी की कृपा को प्राप्त करने के लिए मधुमंगल के हाथ में जो सुंदर सफेद फूल की मल्ली माला थी, मल्लिका की जो माला थी उस सफेद माला को, मल्ली माला को उसको लेकर के पधारे, मल्लिका की माला को लेकर के और सचात प्रणाम प्रणाम शिवप्रिया जी को प्रणाम करते हुए उस माला को समर्पित कर रहे हैं। क्योंकि शाम सुंदर जा रहे हैं कि यहाँ पर साम दाम भेद और प्रण ये चार ही उपाय हैं, इनमें प्रणाम ही मान को मनाने का सर्वोत्तम उपाय है। सो चाट भी कर लिया और दाम भी, जो दान के रूप में ये माला समर्पित करना चाह रहे हैं और भेद के रूप में श्री विशाखा और ललिता इनको कहीं अलग करके श्री राधिका को मनाना चाहते हैं। विशाखा ललिता इनसे अलग हटा करके श्री राधिका को भेद दिला करके राधिका को मना रहे हैं और अंत में अंतिम जो ब्रह्मास्त्र है माननी को मनाने का वो है प्रणाम। उस प्रणाम को करते हुए विराजमान हो रहे हैं और कह रहे हैं कि स्वर्गीयम उन गुणाते चित्त विधिव राधे शुचि अति सुकुमारी कामम आमोद नीच नख पद शशि रेखा धान्य पुष्णात कांतिम तब कुछ शिव मूर्धि स्वर्धनि विभ्रमेय। बोले हे श्री प्रियाजो, ये मल्ली माला आपके वक्षस्थल के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त हो। श्रृगियम ये श्रुत मन माला, ये मन ये माला उन गुणाते अत्यंत अत्यंत सुंदर गुणों से युक्त होकर के विराजमान है। आज का तो दिन विशेष रूप से पवित्र एकादशी, और पवित्र एकादशी जो है वो तो गुणमयी जो माला उसको ही श्री प्रिया जी श्याम सुंदर को धारण कराती हैं। रेशम की जो सुंदर दोरों की बनी हुई माला, रेशमी माला, उस माला को ही आज विशेष रूप से पवित्रा, उस पवित्रा को विशेष रूप से धारण कराया जाता है। तो श्रीगियम ये माला अपूर्व से विराजमान। कभी पूर्व काल पहले जब श्री राघवन लाल आप औरंगजेब के जमाने में जब कामन वापिस पधारे राजस्थान, उस समय जब औरंगजेब का और ये जो यवनों का आक्रमण था वो आक्रमण का समय जब समाप्त हो गया, उस समय श्री राघवन लाल का डोला पधारा वापिस। राघवन लाल जी आए, पहले जो मंदिर था वो मंदिर था आजकल यहाँ हरमेश जी का मंदिर है लाल पत्थर का, राघवेंद्र जी के मंदिर के सामने जो बड़ा मंदिर है लाल पत्थर का, वहां पर श्री राघवेंद्र जी विराजते थे। परंतु उस मंदिर को आक्रमण के समय कहीं भ्रष्ट कर दिया गया, इसलिए बगल में जो जमीन थी उसको लेकर के उसमें राघवेंद्र लाल जी का नया मंदिर बना। परंतु वो मंदिर कहीं पूरा नहीं बना था, फर्श वर्ष रह गए थे। परंतु श्री राघवेंद्र लाल जी का गाड़ा आ गया, उस समय हमारे पूर्वज बड़े बड़े लोग जो थे उन्होंने कहा नहीं ठाकुर जी के राजभवन में देर हो रही है, ठाकुर जी हमारे यहाँ पर पधारेंगे। और उस समय कहीं विवाद भी हो गया, कुछ लोगों ने कहा कि राजवंश विलासवंश का जो विवाद था आज भी चलता है, वो विवाद उस समय भी था। उस समय बड़ा विवाद हो गया, उन्होंने कहा कि नहीं ठाकुर जी हमारे यहाँ पर जाएंगे, हमारे यहाँ पर जाएंगे। उस समय बड़ों ने, ये 300 वर्ष पुरानी बात है, उस समय बड़ों ने कहीं उस समय कहा नहीं ठाकुर जी को विलंब हो रहा है, श्रम हो रहा है, कहीं नहीं जाएंगे, ठाकुर जी हमारे यहाँ पर बढ़ा देंगे। और उस समय हमारा बड़ा घर जो है उसमें श्री ठाकुर जी विराजमान हुए, अभी भी वो जगह बनी है, विराजमान है श्री राघवलाल, वहाँ पर विराजमान रहे कुछ महीने। तो जब ये वर्तमान मंदिर बन गया तब इस मंदिर में आकर के विराजमान हुए, तब से
एक परंपरा भी चलती रही हमारे यहाँ से श्रावलाल के लिए, आज के दिन कहीं वो श्री बड़ा सुंदर पवित्रा, वो पवित्रा पे याद आ गई, वो पवित्रा कहीं जा रहा था, तो जाने भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, वो जिनके पास में सेवा है जनार्दन जी वगैरह भेजते होंगे, परंतु वो पुरानी सेवा मैंने श्री राघवलाल के साथ में हम लोगों का, हमारे परिवार का पुरानी पीढ़ियों का संबंध रहा है और बड़ी निकटता है। श्री राघवलाल राघवल जी के मंदिर में पुरानी जितनी भी सेवा है, श्री श्रीमद भागवत की सेवा, वो गद्दी अभी भी विराजमान है, भागवत जी की गद्दी। श्री राधा दामोदर में भी पहले सेवा थी और हमारे पूर्वजों के बड़े गोस्वामी पादों की सबकी समाधि, हमारे पितामह की, पिताजी की सबकी समाधि श्री राधा श्री राधा दामोदर मंदिर में विराजमान। राधा मंदिर में पुरानी सेवा श्रीमद भागवत की रहेगी, अब नृत्य नहीं है इसलिए वो सेवा शुरू होती है, पर कहने का मतलब ये कि ये स्वर्गीय, ये सिर पर याद आई कि पवित्र, ये जो माला पूर्व गुण जिसमें अनेक अनेक गुण विद्यमान है, गुण माने डोरी, पूर्व गुण माने अनेक माला वाली ये जो स्वर्गीयम, ये जो माला है, ते चित्त वीथि राधे, हे श्री राधे, ये आपकी चित्त वीथि के समान ये माला है, जैसे आपके हृदय में अनेक अनेक भाव विराजमान। अब देखिए श्री राधिका का जो हृदय का भाव है, मादन भाव, उसके विषय में कहा गया कि सर्व भावोद्गमोल्लासी मादनोयम् परात्परः राजते लादनी सारः श्री राधायाम एव यः सदा। श्री राधिका में ही मादनाक्ष महाभाव रूप सारे भाव जिसमें विराजमान, वो मादनाक्ष महाभाव श्री राधिका में ही विराजमान। राजते लादनी सावर श्री राधायाम एव शब्द के द्वारा दिखाया, संस्कृत में एक अलंकार होता है उसका नाम है अनन्वय अलंकार, जहां कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिले तो उपमेय को ही उपमान के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाए, वहां पर अलंकार होता है अनन्वय, जैसे राम से राम, सिया से सिया, ये अनन्वय अलंकार हो गया। राम रावण जो युद्धम, राम रावण यो रेवो, राम रावण का जो युद्ध है उसकी कोई दूसरी तुलना नहीं है, राम रावण का युद्ध राम रावण की तरह ही है, ऐसे ही राधा रानी कैसी है, राधा रानी का महाभाव कैसा, मादनाक्ष महाभाव कैसा है, बोले राधा रानी का महाभाव राधा रानी जैसा ही है, इसका नाम है आनंद अलंकार। वही यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं रूप गोस्वामी जी के सर्व भावोद्गमोल्लासी मादनोयम् परात्परः राजते लादनी सारः श्री राधायाम एव। राधिका का जो भाव है वो वैसा ही है जैसा राधिका में है, उसकी कहीं दूसरी जगह से तुलना नहीं दी जा सकती है, ऐसा वो अपूर्व भाव विराजमान है। तो चित्त वीथि राधे, हे श्री राधे, जैसे तुम्हारा मादनाक्ष महाभाव सारे गुणों को धारण किए हुए है, सारे भाव मादनाक्ष महाभाव के भीतर समा जाते हैं, हाथी के पैर में जैसे सारे पैर आ जाते हैं, ऐसे श्री किशोरी जी का प्रेम ऐसा है जिसमें सारे प्रेमों के लक्षण सारे के सारे यों की त्यों प्राप्त हो जाते हैं, शुरू से लेकर के अंतिम तक, प्रारंभ से लेकर के शीर्ष तक के जितने भी लक्षण हैं वे सब श्री प्रिया जी के प्रेम में प्राप्त होते हैं और सबके भाव सबके चिन्ह वहां पर दिख जाए। शुचि अति सुकुमारी, ये माला कैसी है, बोले हे श्री राधिके, जैसे आप परम पवित्र, ऐसे ही ये राधा प्रेम भी, ये माला भी परम पवित्र है। पवित्रता क्या है, बोले श्री राधिका प्रेम में निज स्वार्थ की कामना है ही नहीं, केवल प्यारे के सुख की कामना है, इसे शुचि, राधा प्रेम की महिमा का गायन हो रहा है माला के माध्यम से, कि शुचि अति सुकुमार, श्री राधिका प्रेम अत्यंत सुकुमार है। अत्यंत सुकुमार कहने का तात्पर्य है कि जरा सा भी जहां पर स्वार्थ आ जाए तो वो कहीं दूषित हो जाएगा, इसलिए कहीं स्वार्थ का संबंध ही नहीं है उसमें। अति सुकुमारी परम पवित्र शुचि और सुकुमार होकर के विराजमान, जहां प्यारे के सुख की भावना ही एकमात्र विराजमान है। और कामम आमोदिनी, ये माला भी कैसी है, बोले कामम आमोदिनी,
पर्याप्त मात्रा में आमोद माने सुगंध से युक्त है, और श्री राधे का प्रेम भी कैसा है, कामम आमोद नीचा, राधे का प्रीति भी पर्याप्त मात्रा में आमोद माने श्री श्याम सुंदर को सुख प्रदान करने वाली, जैसे राधे का प्रीति वैसी माला, माला कैसी है उन गुणा, इसमें बहुत सारे रेशमी डोरे लगे हुए हैं, सुंदर पवित्रा की रेशमी डोरों की बनी हुई, ये रेशमी डोरों से के साथ में ये मल्ली माला सुंदर बनी हुई है, उन गुणा सुंदर गुण वाली, गुण वाली डोरी धागा जिसके भीतर धागा है, और श्री राधे का प्रेम भी कैसा है, उन गुण वाला अत्यंत अत्यंत गुण वाला, श्री चमक रहा है जैसे इसमें अनेक पुष्प लगे हैं, ऐसे चित्त बीथी व राधे, हे श्री राधे के आपके हृदय के प्रेम में भी अनेक अनेक भाव सब विराजमान हैं, माने श्रद्धा से लेकर के भाव से लेकर के प्रेम स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव जितने भी लक्षण हैं वे सब के सब आपके प्रेम में विद्यमान है, और शुचि वो अत्यंत अत्यंत पवित्र है, अर्थात उसमें निज स्वार्थ की कहीं भी खटास नहीं है, निज स्वार्थ की मिलोनी नहीं, एक शब्द का रसिक जनों ने प्रयोग किया, वृंदावन के रसकों ने वाणीकारों ने, वो ये कि मिलोनी रहित प्रेम, मिलोनी उसको कहेंगे जहां पर कहीं एडल्ट्रेशन है, कोई चीज मिक्स हो रही है, वो नहीं, शुद्ध प्रेम जहां पर विराजमान है, केवल प्रिया लाल एक दूसरे का सुख ही विचार कर रहे हैं, जहां अन्य कोई मिलोनी नहीं है, और जिस प्रेम में यहां तक के जब अंतरंग प्रेम प्रकट हो रहा है उसमें चार चीज नहीं है, श्रम गम तम और भ्रम, ये चारों चीजें भी नहीं है, ऐसा अपूर्व प्रेम। श्रम, श्रम का तात्पर्य है अभिसार किया है नहीं किया है इसको भी भूल जाए, श्रम माने अभिसार, तम माने मान, भ्रम माने अन्य नायिका, फिर अन्य नायिका का स्मरण नहीं है, और गम माने दूर प्रवास, ये चारों चीज नहीं है, श्रम तम गम भ्रम, ये चारों चीज जिसमें नहीं है, जिस समय श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में योग पीठ में मिलते हुए विराजमान है उस समय बस प्यारा और मैं, इसके अलावा दुनिया कोई और भी है क्या, इसका कहीं विचार ही नहीं था, केवल संपूर्ण रूप से श्री प्यारे के ऊपर निहाल होकर के विराजमान, सब कुछ प्यारे के ऊपर समर्पित करके विराजमान, और प्यारा बस केवल मुझे देखते हुए मेरी प्रेम सेवा को स्वीकार करते हुए विराजमान हो, केवल ये भाव, और उस समय सब भूल गई, निकुंज मंदिर के बाहर निकलेंगे तो सारी दुनिया याद आ जाएगी, लोक वेद सारी मर्यादा याद आ जाएंगी, पर जिस समय श्री प्रियालाल निकुंज मंदिर में विलास प्राप्त कर रहे हैं, योगपीठ में विराजमान है, और सारी सखीगण अष्ट सखीगण श्री प्रियालाल की सेवा कर रही हैं, उस योगपीठ में श्री प्रियालाल सब कुछ भूले हुए हैं, श्रम तम गम भ्रम सब भूले हुए हैं, और बस ये ही समझ रहे हैं कि बस इस दुनिया के अलावा, इस कुंज के अलावा और कोई दूसरी जगह है ही नहीं। जब कखटी बदरिया प्रातः काल के समय युगल को ध्यान दिलाएगी कि कोई वृद्धा आ रही है, तब उनको होश आएगा, तब बाहर की याद आएगी, नहीं तो वे उनको निहार रहे हैं, वे उनको निहार रही हैं, सखीगण उन युगल को निहार रही हैं, श्री वृंदा और जितनी भी मंजरीगण है, श्री वृंदावन कुंज और मंजरीगण, वे श्री प्रिया लाल और सखीगणों को निहारते हुए विराजमान, इनके अलावा वहां के निज परकर के अलावा और किसी का ध्यान है ही नहीं, तो वो अपूर्व रूप से विराजमान। तो शुचि अति सुकुमारी का अति सुकुमारी कहकर के जहां पर श्रम तम गम भ्रम इनका भी विस्मृति है, और कामम आमोद नीच पर्याप्त मात्रा में जो आमोद प्रदान करने वाली है, नख शुद्ध शिख पति रेखा धाम पुष्णाप कामिन, ये जो माला है ये नख से लेकर के नख पद शशि रेखा धाम, ये आपके कंठ में विराजमान होकर के आपके नख चरण के नख की जो शशि रेखा है चंद्र रेखा
उस चंद्ररेखा को भी पुष्णातु अलंकृत करते हुए विराजमान हो। और ये माला हे श्री प्रिय आपके वक्षस्थल के ऊपर वैसी ही सुशोभित हो जैसे श्री गंगा जी की धारा यदि शिव के ऊपर पड़ रही है और वहां से हिमालय से जैसे प्रवाहित हो रही है, ऐसे ही आपके श्री अंग में जो अपूर्व दिव्य रसद पुंज विराजमान है, दो अपूर्व हिमालय विराजमान है वक्षस्थल के ऊपर, उनके ऊपर वो माला ऐसी शोभा को प्राप्त हो जैसे गंगा की धारा हिमालय के ऊपर गिर करके जैसे चार भागों में सीता अलकनंदा चक्षु भद्रा इन चार रूपों में जैसे गंगा की धारा सुशोभित होती है, ऐसे ही आपके वक्षस्थल के ऊपर वो जो माला है वो माला ही स्वर ध्वनि गंगा की तरह से सुशोभित हो। तब कुछ शिव मूर्ति ही आपके कुछ वे ही भगवान शिव की मूर्ति है और जैसे शिव के ऊपर दूध की धारा सुशोभित होती है, जैसे गंगा की धारा सुशोभित होती है, ऐसे ही श्वेत पुष्पों की बनी हुई ये माला आपके उत्तुंग वक्षोजों के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त करे। तो नखपद शशि रेखा धाम एक अद्भुत रस की गाढ़ता प्रकट की। अब शिवजी के मस्तक के ऊपर शिव का एक नाम है शशि शेखर, चंद्रमा उनके मुकुट होकर के विराजमान है। इसी प्रकार श्री प्रिय आपके भी श्री वक्षस्थल के श्री श्रीअंग के ऊपर जो अपूर्व नखरेखा विराजमान है, उन नखरेखा से युक्त शिव की शोभा को प्राप्त करने वाले श्री वक्षस्थल उनके ऊपर ये माला अपूर्व शोभा को प्राप्त करती हुई विराजमान हो। तो नखपद शशि रेखा शिव के पास में जैसे चंद्रमा विराजमान, ऐसे भी यहां पर भी नखचिन्ह अपूर्व रूप से विराजमान है, ऐसी आपके वक्षस्थल के ऊपर ये स्वर ध्वनि श्री गंगा की तरह से ये जो माला है ये सुशोभित होती हुई विराजमान। द्वारा सुरगिरियम ये माला गंगा की तरह है। माला कैसी है? सुरगिरियम उर्गुणा अत्यंत गुण वाली है और आप भी अत्यंत गुण वाली होकर के विराजमान है। चित्त भी थी आपकी चित्त भी थी उसमें सारे भाव विराजमान है। शुचि ये परम पवित्र है, अति सुकुमारी जिसमें अन्य भावों का कहीं भी मिश्रण नहीं है, अत्यंत सुकुमारी है और सुकुमारी होने पर श्रम तम गम धन इनके भावों से भी जो अस्पृष्ट होकर के बिना छुई हुई होकर के विराजमान। काम आमोद नीचो परम पर्याप्त रूप में ये माला भी आमोद को प्रदान करने वाली है और आपके श्री वक्षस्थल रूपी जो शिव विराजमान है उनके मस्तक के ऊपर जैसे शिव के ऊपर अपूर्व से नखपद विराजमान चंद्रमा की रेखा विराजमान, ऐसे ही नखाकृति जहां पर अपूर्व से विराजमान है, ऐसे श्री वक्षस्थल के ऊपर स्वर ध्वनि विभ्रमेण श्री गंगा के विभ्रम को प्रकट करती हुई पुष्णात कांति कांत धामनी ये कांति की धामनी माने तेज को पुष्ट करती हुई विराजमान हो, ऐसा कहकर के प्रिया के श्री कंठ में जो आप माला समर्पित करना चाहते हैं एक भ्रू संख्या विशाखा अनुकूले और भवों से श्री विशाखा जी जो हमसे प्रार्थना कर रहे हैं कि कहीं थोड़ा सा अनुकूल करना, जरा सा मुझे सहयोग प्रदान करना, कहीं विरोध मत करवा देना इस समय, तो भ्रू संज्ञा से श्री विशाखा को अपने पक्ष में करते हुए श्री श्याम सुंदर उस माला को प्रिया जी को धारण करते हैं। श्री विशाखा माल्यम निवेदयन्ति उस माला को ग्रहण करती हैं, माला को लेकर के निवेदयन्ति माला को श्याम किशोर जी को समर्पित करती हुई कह रही है यस्मिन् नेत्र सरोरोहांगण भुवः प्राप्तं विदुरं मना
सद्यस्ते निमिषोपियाथ तुलना तन्मंगि मन्मंतरे वृंदारण्य कदंब मंडप तटक क्रीड़ा भरा खंडले तस्मिन् काप परायणे तव कथम काम्यान बाम्यान न्यपि। कि हे श्री राधे के अब बाम का धारण मत करना मत करना। ये माला उन श्याम सुंदर के द्वारा दी गई है जो श्याम सुंदर कैसे हैं उसका वर्णन है कि यस्मिन् नेत्र सरोरुहांगण भुवः प्राप्ते विदुरं मनाक मनाक माने तनिक भी यदि श्री श्याम सुंदर तेरे नेत्र सरोरुह माने नेत्र रूपी कमल उनके आगन से अन्ना भुव तेरे नेत्र ही मानो एक आंगन है और उस आंगन से श्याम सुंदर एक क्षण के लिए भी यदि दूर चले जाते हैं तो यस्मिन् नेत्र सरोरुह नेत्र रूपी सरोरुह माने कमल उनके आंगन भुवा उसके आंगन की भूमि से श्री श्याम सुंदर विदूरम प्राप्ते तनिक भी दूर हो जाते हैं मना तनिक भी तो सत्यस्ते निमिषो क्यों दूर हो जाते हैं कि तेरा यदि निमिषपात होता है पलक गिरते हैं तो पलक गिरने पर भी प्यारे यदि दूर हो जाते हैं तो यात तुलना तन्मंग मनमंतर वो एक निमिषपात का समय भी मनमंतर शरीर का व्यतीत होता है। महाभारत के जहां अनेक लक्षण वर्णन किए गए उनमें एक लक्षण किशोर जी के महाभारत का है कि क्षण युग शत्रु मिलो यासाम्येन बिना भवत श्रीमद् भागवत में कहा गया कि पलक का जो गिरना है वो भी करोड़ों मनमंतर शरीर का व्यतीत युग शत शरीर का मनमंतर जैसा व्यतीत हो जाता है करोड़ों युग शरीर का व्यतीत हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि तंगंग मनमंतर निमिषपात भी मनमंतर जैसे व्योग को प्राप्त करता है पलकांतर अवलोक बिन कल्पांतर ही व्याहत रसकुंड वर्णन किया कि पलक का जो झपकना है इतना सा व्योग वो भी श्री किशोर जी के लिए कल्पांतर बन जाए। वृंदारण्य कदंब मंडप तटी क्रीड़ा भरा खंडले ये श्री श्याम सुंदर सामने तेरे विराजमान है जो कैसे है वृंदारण्य कदंब वृंदावन के जो कदंब मंडप कदंब का जो मंडप उसके तट पर क्रीड़ा भरा खंडले क्रीड़ा करने वाले आखंडल माने इंद्र होकर के विराजमान है। वृंदावन नहीं है वह है एक स्वर्ग और स्वर्ग में जैसे इंद्र रहता है ऐसे ही श्री वृंदावन के इस कदंब मंडप में जो आखंडल होकर के इंद्र होकर के विराजमान है वृंदावनेन्द्र श्री वृंदावन चंद्र वृंदावन इंद्र होकर के जो श्री श्याम सुंदर विराजमान है अरे सखी वे श्री श्याम सुंदर तस्मिन काप परायणे उन श्याम सुंदर के प्रति अरे सखी अब काप धारण करने की जरूरत नहीं है। काप कहते हैं शब्दों को बदल करके बामता के अर्थ को प्रकट करना उनके प्रति अब काकुता धारण करने की जरूरत नहीं है। शब्द स्वर उनके भेद के द्वारा विपरीत अर्थ को प्रकट करना उसका नाम है काकु। तो श्री श्याम सुंदर के प्रति अब टेढ़े वचन बोलने की अब आवश्यकता नहीं है। तब कथम काम्यान बाम्यान नपी अरे सखी तेरी बामता भी कथम काम्यानी कैसे इस समय उचित हो सकती है अर्थात सामान्यतः तेरी बामता भी श्याम सुंदर को बड़ी अच्छी लगती है पर इस समय कथम काम्यान बाम्यानी तेरा जो बामता धारण करना वह कभी भी काम्य नहीं है वह कभी भी इस समय स्वीकृत नहीं है वह रस के उपयुक्त नहीं होगा नहीं होगा इसलिए बामता धारण करने की आवश्यकता नहीं है। जिन श्री श्याम सुंदर के नेत्र सरोरुहांगण भुवः श्याम सुंदर तेरे नेत्र कमल के आंगन में विराजमान थे और वे श्याम सुंदर विदूरं मनाक प्राप्ते तनिक भी दूर हो जाते हैं तो ते निमिषोपि
तेरा जो निमिषपात का समय है वो भी तुलनां तन्मन्य मन्मन्तरे, वो भी मन्मन्तरों से तुलना करने के लायक हो जाता है, उसकी तुलना मन्मन्तर से हो जाती है। वृंदारण्य कथम मंडा, श्री वृंदावन रूपी इस अपूर्व अमरावती का ये जो अपूर्व मंडप है कदम्ब का, इस कदम्ब मंडप में श्याम सुंदर विराजमान होने वाले एक इंद्र के समान है। जैसे स्वर्ग के किसी उपवन में इंद्र विहार करता है, ऐसे वृंदावन रूपी इस कदम्ब बन के इंद्र होकर के ये श्री श्याम सुंदर ही विराजमान है। वृंदारण्य उनके कदम्ब मंडप तट, उसमें ही क्रीड़ा भर आखंडले, ये श्री श्याम सुंदर क्रीड़ारत आखंडल माने इंद्र के समान सुशोभित हो रहे हैं। उन श्री श्याम सुंदर को सत्यस्ते निमशोपिया तस्मिन् काप परायणे, अब उन श्री श्याम सुंदर के प्रति काप वचनों से इनका निरादर करने की आवश्यकता नहीं है। अरे सखी तेरी वामता इस समय काम में नहीं है, अर्थात वामता को धारण मत कर मत कर। श्री राधिका अभिसूया कहती कह रही है कि अपे ही निर्बुद्ध के अपे ही, अरे मूर्ख मूर्ख की कहां से आ गई, दूर हट दूर हट, मुझे पहले तो मान की शिक्षा दे रही थी और अब मुझसे कह रही है श्याम सुंदर से वामता धारण मत कर, दूर हट दूर हट। ऊपर से दिखा रही है श्री प्रिया जी कुटिलता, पर ऊपर से दिखा रही है ये कहीं अपनी अमिथा, और भीतर से अपूर्व रूप से कहीं मिलन उसको दिखा रही है। इसका नाम है बिल्बोक। बिल्बोक भाव वहां होता है कि प्यारे के द्वारा दी गई वस्तु को हृदय से तो चाहना और ऊपर से निरादर करना, उसका नाम है बिल्बोक नामक अनुभव। शिवप्रिया उसी बिल्बोक भाव को धारण करती हुई कह रही है कि अरे निर्बुद्ध के अरे मूर्खी क्यों मुझे श्याम सुंदर के श्री हस्त में समर्पित करना चाहती है, दूर हट दूर हट। श्री कृष्ण कहते हैं कि धूल धूसरित चंद्रकांचल चंद्रकांत मुख बल्लभो जन अर्पयन मोह अयम नमस्क्रियाम भिक्षते तब कटाक्ष माधुरी, कि धूल धूसरित चंद्रकांचल है मेरे मस्तक का जो मयूर मुकुट है वो बार बार आपके श्री चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, सो धूल धूसरित हो रहा है। जहां चंद्र का जो है वो मस्तक पर जो मयूर मुकुट धारण कर रखा है वो धूल से धूसरित हो रहा है, ऐसे मेरे हृदय के विरह भाव का गंजन करने वाला देह पद पल्लव उदारण आप पद पल्लव वो मुझे प्रदान करें। जैसे श्री जयदेव गोस्वामी जी श्री घी को भी वर्णन कर रहे हैं कि जो ये मस्तक का मुकुट वो आज धूल में धूसरित हो रहा है, मेरे सारे अब मान भाव उसका गंजन करने वाला, आपके मान भाव का गंजन करने वाला आपका जो चरण है उसको अब मेरे मस्तक के ऊपर कृपा करके प्रदान करें। तो वो ही कह रहे हैं कि धूल धूसरित चंद्र कांचला, जिसका चंद्रक बीच का भाग धूल से धूसरित हो रहा है, और चंद्रकांत मुखी हे चंद्रकांत मुखवाली मेरा ये चंद्रकांचल मेरा मयूर मुख धूल से धूसरित हो रहा है, ऐसा बल्लभो जन जिससे तुम प्रीति करती हो ऐसा ये जन अर्पयन मोह अयम नमस्क्रियाम आपको नमस्क्रिया समर्पित कर रहा है, और भिक्षते तब कटाक्ष माधुरी आपकी कटाक्ष माधुरी को मांग रहा है, उसकी भिक्षा कर रहा है। श्री ऐसे जो कहा इतने में श्री राधिका से कहने लगी ललिता जी कि राधे झटते कंधनाम परावर्तय पृष्ठता आकारयति आर्या, बोले अरे सखी जल्दी से अपनी गर्दन मोड़ करके तो
कंधना पलटते हो, मुख पीछे मोड़ करके तो देख देख, पृष्ठता आकार की आर्या मुखराजी पीछे से बुला रही है, नामी मुखरा भी पीछे से आ गई। श्री राधे का जो देखती है इतने में मुखरा आ गई और मुखरा आकर के कहती है, बना सक्तम चेत प्रणयत ग्रहाद्यो विरमयन वरेण्यम बंधु नाम प्रणयम विस्मारयत यह महाधूत श्रेणी गुण गणम विस्तारण पटो करो संगे तस्यह तो वो भी सरदे पुत्र पतता हार हार देखो तो सही, अरे बेटी मेरी राधिका तू किसके हाथ में पड़ गई, इस चंचल के हाथ में, इस श्याम सुंदर के हाथ में तू कहां से पड़ गई, तू कहां से पड़ गई। बना सक्तम चेता प्रणयत ग्रहाद्यो विरमयन, तो ग्रहात यह, ग्रहात यह यमन जो श्याम सुंदर इन गोपियों के चित्त को ग्रहात विरमयन घर से दूर हटाते हुए बना सक्तम प्रणयति वन में आसक्त करके प्रीति युक्त कर देते हैं, अर्थात इनमें राग नामक जो दशा है वो उपस्थित कर देते हैं। राग का लक्षण उज्जैन मणि में रूप गोस्वामी जी ने निरूपण किया कि जहां दुख हो जाए सुख और सुख हो जाए दुख, उस स्थिति का नाम है राग। कुल रमणियों के लिए घर में रहना सबसे ज्यादा सुखद है, गृहणियां घर में रहकर के अत्यंत अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं, उनका सहज स्वभाव है घर को संभालना, स्वाभाविक स्वभाव। परंतु राग की स्थिति यह है कि जो परम सुरक्षित सारी सुविधाओं से युक्त है उस घर में रहना इनको कष्टकर हो जाता है, और वनवास गृहणियों के लिए महाकष्टकर है, परंतु वन का निवास इन ब्रज गोपिकाओं के लिए महासुखद हो जाए। तो दुख हो जाए सुख और सुख हो जाए दुख, सुखद स्थिति जो कन्वीनियंट स्थिति है वो तो हो जाए इनकन्वीनियंट, और इनकन्वीनियंट जो है वो कन्वीनियंट हो जाए, उल्टी बात है, सुख हो जाए दुख, दुख हो जाए सुख, इस स्थिति का नाम ही है राग। तो बना सक्तम चेत प्रणयति ग्रहात, यह माने जो श्री श्याम सुंदर इन गोपियों के चित्त को ग्रहात माने घर से हटा करके बना सक्तम प्रणयति वन में आसक्त कर देते हैं, विरमयन वरेण्यम बंधु नाम प्रणयम अपि विस्मारयति यो, और जो बंधु नाम प्रणयम अपि बंधुगण जो प्रीति करते हैं उस वरेण्य प्रणय को भी, परम चाहने योग्य प्रणय को भी जो श्री श्याम सुंदर हाय